हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब आप कहेंगे कि भाई इस गर्मी ने तो हाल बेहाल कर रखा है। अगर आप गर्मी से बेतहाशा परेशान हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं वेरी कूल वीडियो। इसे देखकर आप इस स्कॉर्चिंग हॉट में भी एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल फील करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, हम इंडियंस के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है और इस चिलचिलाती तपिश से निजात के तो शानदार जानदार और जबरदस्त जुगाड़ हमारे पास हैं। आप देखेंगे तो वाह वाह करते रह जाएंगे। इस तपती जलती दोपहरी में अगर कोई आपको बाहर जाने को बोल दे तो आपका जवाब क्या होगा? यही ना कि ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास नो कहने का ऑप्शन नहीं है तो आप इस देसी किसान का ये तरीका अपना सकते हैं। इन भाई साहब ने तो गर्मी की सारी गर्मी निकाल दी। बाइक पर ऐसा तंबू ताना है कि गांव से शहर आना जाना आसान हो गया। ये तो ही गांव की बात, अब जरा शहर के ऑफिस वालों की भी बात कर लेते हैं। इन जनाब की क्रिएटिविटी का आलम तो देखिए। अखबार से ऐसा हेलमेट बनाया कि देखने वाले देखते रह गए। अब करे भी तो क्या, क्योंकि गर्मी से भी बचना है और ऑफिस भी जाना है। वैसे इनका इंक्रीमेंट होना 100% तय है। आइए आपको ममाज बॉय से मिलवाते हैं। इन लड़कों को उनकी मम्मी ने भरी दोपहरी में बाजार से कुछ लाने को भेजा, लेकिन उफ ये गर्मी, तौबा तौबा। लेकिन मम्मा का ऑर्डर है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में इन लड़कों ने एक खुरापाती आइडिया निकाला, पानी की बाल्टी साथ में ली और निकल लिए नहाते हुए बाजार में। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी कहां कम है। वैसे भी ये तपती धूप पर क्या क्या ना करवाए। इन मैडम को सिर पर पानी गिराकर रिलैक्स फील करना था, तब इन्होंने बाल्टी को इस तरह इस्तेमाल किया कि बाल भी धुल जाएं और पानी भी वेस्ट नहीं हुआ। सेव वाटर के इस मैसेज के लिए एक लाइक तो बनता है। पानी बचाने की ये जुगत भी काबिल तारीफ है। वाह जियो मेरे शेर, क्या जुगाड़ो लगाया है। पॉलिथीन में पानी डालकर शावर लेने का मजा ही कुछ और है। इसी तरह अगर आप घूमते घूमते शावर का मजा लेना चाहते हैं तो ये धांसू आइडिया देखते जाइए। वैसे इन जनाब के चेहरे पर सुकून देखकर आप कह देंगे कि कहां से आते हैं ये लोग। खैर दोस्तों, आपको कसम है, टेक्नोलॉजी भारत से बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। इन बड़ों को देखकर बच्चे भी पानी बचाना सीख चुके हैं। जरा देखिए तो इस छोटे से बच्चे ने पानी बचाते हुए हाथ धोने का क्या लाजवाब तरीका निकाला है। इसने दो प्लास्टिक की बोतलें ली, एक में साबुन का पानी और दूसरे में साफ पानी लिया और इस अंदाज में कम पानी से हैंड वॉश करने का नायाब तरीका निकाल लिया। भाई वाह बेटे, कमाल कर दिया, बड़े होकर जरूर इंजीनियर बनोगे। दोस्तों, इन बच्चों के नहाने के जुगाड़ को देखकर तो आपको भी अपना बचपन, उन दिनों की याद आ गई होगी जब आप गर्मियों में अपनी नानी या फिर दादी के गांव जाया करते थे और वहां तालाब में स्लाइडिंग का मजा लिया करते थे। कुछ ऐसा ही जैसे ये बच्चे कर रहे हैं। ये वीडियो देखकर अगर आप भी नॉस्टैल्जिक फील करने लगे हो तो कमेंट करके बताना जरूर। अब इस महाशय ने तो ट्रैक्टर ट्रॉली को ही स्विमिंग पूल बना डाला, अब ले रहा है स्विमिंग के मजे, गर्मी का मारा बेचारा। वैसे आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जेसीबी का ऐसा भी यूज हो सकता है। इस बंदे को स्विमिंग नहीं आती तो इसके जिगरी ने जेसीबी से जुगाड़ लगाकर अपने दोस्त को ऐसे एंजॉय करवाया। इंसान तो इंसान, जानवर भी गर्मी से है परेशान।
अब इस डॉगी को ही देख लीजिए, गर्मी से ये बेहाल हो गया तो नल को यूं खोल कर लेने लगा नहाने का आनंद। इसी तरह इस मंकी महाराज का प्यास के मारे गला सूखने लगा। भला हो इन ट्रैफिक पुलिस वालों ने यूं प्यार लुटा दिया इन पर। वैसे गर्मी क्या क्या ना करवाए, प्यास ने हाथी राजा को हैंडपंप चलाना सिखा दिया। देखो तो किस तरह से अपनी सूंड से हैंडपंप से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा रहा है। इस नन्ही गिलहरी को प्यास लगी तो टूरिस्ट को देखकर पानी मांगने लगी। ये टूरिस्ट भी बखूबी समझ गया और गिलहरी को भरपेट पानी पिलाया। भरपेट पानी पीने के बाद ये वापस जंगल की ओर चल दी। ये सारा नजारा देखकर आपको क्या लगा हमें कमेंट में बताना। दोस्तों आपने बचपन में थ्रस्टी क्रो की कहानी तो सुनी होगी, आज हकीकत में आपको दिखाने जा रहे हैं हम। फर्क बस इतना है कि कौवे को घड़ा मिला था और यहाँ इस पंछी को बोतल, लेकिन दिमाग दोनों का एक ही है। इन बंदरों ने तो हद ही कर दी, नहाने के लिए सीधा पानी की टंकी में छलांग लगा दी। अरे लगता है ये तो पूरी टीम के साथ आए हैं पिकनिक मनाने। ओहो मौज कर दी भाई ने। ये डॉगी अपने पेट हाउस में आराम फरमा रहे थे, लेकिन जब इसे गर्मी सताने लगी तो अपने घर से निकला और पंखे को अपनी तरफ घुमा दिया, फिर से जाकर बैठ गया अपने घर में। अपने डॉगी की यह हरकत देखकर उसका मालिक भी हंस पड़ा। अब इस डॉगी ने तो सारी हद ही पार कर दी। आओ देखा ना ताव, अपनी गर्मी मिटाने डायरेक्ट फ्रिज में ही जा बैठा। दोस्तों अगर गर्मी के मौसम में बोतल में पानी ज्यादा देर ठंडा तो रहता नहीं है, लेकिन इस लड़के ने बोतल पर टाट की पट्टी बांधकर ऐसी बोतल तैयार की जिसमें पानी घंटों तक ठंडा ही रहता है। क्यों है ना काम का जुगाड़। गर्मी से बचने के लिए लोग क्रिएटिविटी की हद पार कर जाते हैं। अब इस बंदे को देख लीजिए, इसने तो अपनी कैप में ही फैन लगा दिया और तो और इसे चलाने के लिए सिर पर सोलर भी लगा दिया। अब आप ही बताइए ऐसे लोगों का गर्मी भी क्या उखाड़ लेगी। वैसे ऐसे क्रिएटिव बंदे इंडिया की शान है शान। अब पेशा ही जुगाड़ू छाता जो सिर्फ धूप से बचाता ही नहीं बल्कि हवा और शावर भी देता है। इसमें एक पंखा लगा जो हवा के साथ साथ ठंडे पानी की बौछारें भी करता है। क्यों है ना ठंडा ठंडा कूल कूल आइडिया। ऊपर के कमरे में कूलर की ठंडी हवा पहुंचाने के लिए इस बंदे का अनोखा जुगाड़ तो देखिए, कैसे हवा नीचे से सीधे ऊपर जा रही है। इसे कहते हैं सस्ता और सुंदर जुगाड़। अब लकड़ी के डंडों से बना ये टेबल फैन भी देखते जाइए, जरूर ये किसी खुरापाते दिमाग के फुर्सत का काम है। आपने कहीं देखा है ऐसा फराटेदार फैन। गर्मियों में पावर कट एक सजा की तरह है, लेकिन हम हिंदुस्तानी सजा में भी मजा ढूंढ लेते हैं। बत्ती गुल हुई तो इस वेले बैठे इंसान ने दिमाग दौड़ाया और पंखे को सीधे हाथ से चलाकर हवा खाने का ये नायाब तरीका ढूंढ निकाला। गर्मी के मौसम में ऑटो वाले सरपट ऑटो दौड़ाते हैं, लेकिन इस प्रचंड गर्मी का क्या, ये तो सितम ढाएगी। तब इस ऑटो वाले के दिमाग की बत्ती जली और निकल आया ये यूनिक आइडिया। इसने अपने ऑटो में सोलर से जुड़ा पंखा लगा लिया। अब ये ले रहा है मजे ठंडी हवा के। दोस्तों अब इन आराम पसंद लोगों का क्या करें जो अपने दिमाग को रत्ती भर भी जाया नहीं करना चाहते। हाँ इनके आराम में इतना सा भी फर्क नहीं आना चाहिए। ऐसे लोग ऐसा जुगाड़ निकालने की कुव्वत रखते हैं। हम इंडियन को देखकर ये फॉरेनर्स भी जुगाड़ लगाना सीख गई। इस मैडम ने पंखे के साथ साइकिल के पैडल के साथ जोड़कर हवा खाने का ये जुगाड़ निकाल डाला।
अब ये मैडम जैसे जैसे पेडल मारेगी वैसे वैसे पंखा इनको हवा देता रहेगा। जरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वैसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चिलचिलाती गर्मी में ये बारात जा रही है। दूल्हे के पापा ने बारातियों का ख्याल रखते हुए पूरे पंडाल के नीचे ही पहिए लगा दिए। फिर तो इस बारात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वाह डैडी, ऐसे होते हैं दिलदार डैडी। शादियों में सबसे जबरदस्त होता है डांस, उसमें भी दूल्हे के दोस्त इसका सबसे ज्यादा लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इस गर्मी में भला कैसे डांस किया जाए। तब इन दोस्तों ने एक जुगाड़ निकाला और बारात में एक कूलर ही साथ ले लिया। अब इस कूलर के सामने इन लोगों ने ऐसा डेडली डांस किया कि शादी यादगार बन गई। हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान ही जुगाड़ लगाते हैं। ये वीडियो बैतूल के प्रभात पट्टन गांव का है, जहां बारात को गर्मी से बचाने के लिए खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले थ्रेशर मशीन को ही ऐसे कूलर बना लिया गया। इस एक कूलर ने सभी लोगों को ऐसी हवा फेंकी कि माहौल ही चिल्ल हो गया। इस एक कूलर ने गर्मी के छक्के छुड़ा दिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी राय हमें कमेंट करके बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही लाइक और शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले वीडियो में।